अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफिया से होंगे। तो यार जैसे कि आपने मेरे कल के व्लॉग में देखा होगा कि भाई इब्राहिम आया हुआ था मिनी जू में और उसने जो है ना बकरे वगैरह देखे और उसने इनका नाम वगैरह भी फाइनल कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं अपने जो हमने इनका नाम वगैरह रखा है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इब्राहिम जो है ना वापस जो छुट्टियाँ मनाने चला गया है भाई, एक दो दिन बाद वो वापस आ जाएगा हमारे साथ, हमें ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह मिनी जू में। और अभी क्या हो गया भाई, क्या हो गया, सारे आज बाहर आए हैं भाई, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा गंद वगैरह भी हो रहा है इधर मिनी जू में। इसकी सफाई वगैरह भी करनी है अभी, और मैं सोच रहा हूँ इसकी सफाई भी कर लेता हूँ। वो देखो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है सिम्बा, ये क्या सीन है, सबको भगाने लगाया हुआ है भाई। इस अकेले को बंद कर देते हैं, बाकी सबको घूमने में क्या आराम से। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। क्या सीन है, सब एक दूसरे को मारने पर लगे हुए। अब अभी आपने देखा होगा पीछे एक दुकान, सबको तंग करने में लगाया हुआ इसने, सब कोई पीछे पड़ी हुई थी सिम्बा जो है ना। तो अभी फाइनली इसको हमने बंद ही कर दिया है भाई। ओहो तूफान बरपा हुआ था आपने जैसे कि पीछे देखा होगा। अबे अभी क्या सीन है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे तूफान बरपा हुआ था, उसको हमने संभाल लिया है। सिम्बा की वैसे वो सारा मसला हुआ था, सारे जानवर परेशान हुए हुए थे, सारे पेट हमारे जितने भी थे ना वो परेशान हुए हुए थे उनके पीछे, क्योंकि ये सिम्बा लगा हुआ था उनको काटने की कोशिश कर, काटने की तो नहीं, बहरहाल उनसे खेल रहा था पर उनको तो वो तो डरेंगे नहीं यार, वो जारी बात है उनको लगेगा कोई काटने वगैरह के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसको मैंने अंदर बंद कर दिया हुआ है। अभी इसको खाना वगैरह हम डालते हैं, चारा वगैरह ला के डालते हैं भाई, चारा इनको जो है ना देना है क्योंकि बेचारे भूखे हैं ना। जैसे आपने देखा होगा मैं जैसे कमरे में आता था सब फड़फड़ाना शुरू कर देती, अब थोड़ा थोड़ा ना ये सेट होना शुरू हो चुकी हुई है। और हमारे कॉकटेल क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारे कॉकटेल लेके ये अभी तक बॉक्स में जाना शुरू नहीं, एक दिन आया कल मैंने देखा था बॉक्स में जा रहे थे पर अब जो है ना फिर बॉक्स में जाना छोड़ दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक दोबारा ये बॉक्स में जाना शुरू कर देंगे। इनको मैंने सुबह ये वाला ना ये वाला चारा भी थोड़ा डाला था, ये भी ये लोग खाते हैं बड़े शौक से। और इनका पानी मैं चेंज करता हूँ, इनको पानी वगैरह देता हूँ। और हमारे बकरे भी जो है ना वो प्यासे हो रहे हैं, उनको पानी की मुझे लग रहा है प्यास तलब हो रही है, पानी उनको पिलाता हूँ मैं। माई डेस्क इनको मैंने रोटी डाली थी, रोटी मैंने से खा ली उन्होंने, अभी जो है ना पानी मांग रहे हैं, इनको पानी वगैरह देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कितना तूफान बरपा हुआ था इधर। अच्छा देखो इसको भी पता चल गया, अब यहाँ पे चारा होता है ये भी अंदर जा रहा है डायरेक्ट। आओ भाई आओ, ये खाओ आप, ये खाओ, इसको ये खिलाता हूँ भाई, ये खाओ, पानी पीना इसने, पहले पानी पिएगा ना फिर ये चारा सही से खाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह भाई ये तो सुनने लग गया अभी से। आ जाओ ये लो भाई, ये लो आप भी खाओ, मुर्गे भी खाते हैं और बकरे भी हमारे खाते हैं माशाल्लाह। ये देखिए कैसे चारे के पीछे पीछे ना केज के अंदर चला गया हुआ है। इनको ना पानी देते हैं यार, सबको पानी वगैरह डालते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनका पानी का ख्याल हमें रखना पड़ेगा हर हाल में। और इनको सबको पानी वगैरह मैं देता हूँ, और क्या नाम बबलू बबली को भी देखता हूँ, उनका भी मुझे लग रहा है पानी ख़त्म हो गया यार, उनको भी पानी देना पड़ेगा। ये कैसे मज़े से ये वाला लूसन जो है ना, लूसन ये बड़े शौक से खाते हैं पर इतना ज़्यादा इनको लूसन देना नहीं चाहिए क्योंकि लूसन जो होता है ना वो गर्म होता है, जंतर इनके लिए सही रहता है, वो ठंडा होता है, वो इनको ला के मैं दूंगा। ये एक गठी दो गठी दिन में खिला दी तो खिला दी ठीक है, ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि इनका पेट ना ख़राब हो जाए क्योंकि यार वो गर्म होता है ना यार। और ये देखिए हालत देखिए हमारे मिली जू कितना गंदा हो चुका है, इसकी भी हमने सफाई करनी है यार एक दिन। आज अभी मैं झाड़ू लगा दूंगा फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको जो है पानी वगैरह लगा के हम साफ़ करें, क्योंकि यार हमारी जो मशीन है ना यार वो ख़राब हो गई थी, वो जो पड़ी थी वो खाली चलती रही तो वो ख़राब हो गई हुई, इसको मैंने बनने के लिए दिया हुआ है, एक दो दिन में इंशाल्लाह वो आ जाएगी। फिर हम इसको जो है ना रोज़ पानी मारा करेंगे, रोज़ इसकी सफाई किया करेंगे, इनको भी इनके ऊपर भी पानी का छिड़काव करेंगे, क्योंकि यार मैंने देखा हमारे जो परिंदे वगैरह ना यार वो हाँप रहे होते हैं मतलब गर्मी की वजह से ना, तो उनको मैंने पानी वगैरह लगाना है। और जो है वो मशीन का मुझे बहुत इंतज़ार है, जल्दी इंशाल्लाह बन के आ जाए तो मैं इनको पानी वगैरह लगाता हूँ और इनको अभी चारा वगैरह देता हूँ, पानी पीने के लिए देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ये अक्सर ना पानी के कटोरे में ना खड़े हुए होते हैं। ये हमारे चूज़े जो है ना बड़े शरारती होते जा रहे हैं भाई, ये ना हर जगह पहुँच जाते हैं। अब ये पानी गंदा हो रहा है, आओ भाई ये लो भाई पियो, देख पी लो, मुझे पता था ना प्यास लगी हुई है इसलिए इधर उधर घूम रहे थे तुम। कौन घुसा हुआ है अंदर, अरे अरे यार ये अलग सी अजीब सीन है यार, उनको डरा दिया इसने यार, मैं जो नज़र ही नहीं आया एक अब अंदर चला गया, वो इतनी मुश्किल से सेट होती है वो डर जाती है ना यार, वो फिर उनका सेट होना थोड़ा मुश्किल हो। तो यार ये
तो माशाल्लाह अभी हमारे बकरों को हमारे साथ हैं माशाल्लाह से 5वां दिन, और मैंने कोशिश करता हूँ कि यार इनकी डेली रूटीन जो है ना आपके साथ शेयर करता रहूँ। भाई अब ये इनकी क्या सूरत है, अब कितना अब कैसे हो गए, अभी यार ये क्या कर रहे हो तुम आज, ये बहुत शरारत कर रहे मूड में, हर जगह घुस रहा है, जहाँ जहाँ इसको नहीं जाना चाहिए ना उस जगह भी जा रहा है। चलो अंदर, चलो 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 अंदर, बाहर मत घूमो। तो इनका नाम हमने जो रखा है ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक इसका इसका नाम सुल्तान और वो चमचम है। अगर आपके पास कोई अच्छा नाम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इनका नाम मैं क्या रखूँ। फ़िलहाल मैंने इसका नाम सुल्तान रखा है और इसका नाम चमचम रखा है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है आगे जाके इस तरह बड़े होते रहेंगे और आपके साथ डेली इनकी जो रूटीन है ना वो शेयर करता रहूँगा। और हमारे डब वगैरह देखें, ये हमारे बटेर, अरे वो बटेर कैसा बीमार हुआ हुआ है, इसकी आंखों में क्या हुआ, ये देखें भाई ये देखें, और लो इसकी आइस कैसे सूजी हुई है, अरे कैसे हो गया, किसने मारा वारा है क्या इसको यार, लो 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 लो, इसके ऐसे पानी वगैरह आ रहा है, ओहो हो, लगता है किसी ने इसको या तो मारा है या मतलब इसको आई इन्फेक्शन हो गया है यार, पता नहीं कैसे ये हो गया। मेरे अभी नज़र पड़ी इसके ऊपर भाई, ये तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा सीन भी नहीं है और ऐसा खून वगैरह भी नहीं निकल रहा, तो लगता है इसको इन्फेक्शन है। इसको ट्यूब वगैरह लगाते हैं, इसको दवाई वगैरह हम लगाते हैं, टेंचर वगैरह अंदर पड़ा हुआ है मेरे पास सेफ्टी रूम में, वो ला के इसको लगाता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सही जल्द जल्द अज जल्द सेट हो जाएगा यार। अच्छा मैंने डव की जो है ना नेस्टिंग जो है ना वो जालियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, पर अभी फ़िलहाल इनका कोई ऐसा इरादा लग नहीं रहा कि उसके अंदर जाने का ना, तो मैं बाहर चलता हूँ भाई, इससे पहले वो मुझे देख के ना ऐसे कन्फ्यूज़ हो गई, वहाँ बाहर आके खड़ी हो गई है भाई हमारी कबूतरी। और इसके माशाल्लाह दोनों अंडे जो है ना अभी मैंने चेक नहीं किए, आने वाले 1-2 हफ्ते में ना मतलब 3-4 दिन बाद मैं इसके अंडे चेक करूँगा, क्योंकि फर्टिलिटी आया दिए। और सुल्तान हमारे चूज़े देखे कैसे माशाल्लाह मुर्गियों के केज में घुसे हुए हैं और वहाँ दाना पानी कर रहा है, भाई यार ये कहाँ जा रहा है। अब ये लोग मिनी जू में आते हैं, इनकी रूटीन यार यही है, अब शुक्र है खरगोशों की जान छूट गई, अब ये इनके सुल्तान और चमचम के पीछे ही पड़े रहते हैं मेरे बच्चे। अब इनको बड़े मज़े से खिलाते हैं, इनको बड़े पसंद भी हैं और माशाल्लाह ये बच्चों के साथ खेलते भी हैं माशाल्लाह, उनके साथ चलते फिरते रहते हैं। अब ये आता है ना इसी को पकड़ के घूमता रहता है भाई, तो वो अच्छी बात है। अब ये इसे अब माशाल्लाह ये जो है ना मुझे पहचानने भी लग गया, मेरे पीछे पीछे भी आता है और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ आता है ये। और माशाल्लाह एक और अच्छी चीज़ बताओ, जैसे ही मैं गेट से इंटर होता हूँ ना यहाँ से अपने मिनीजू के अंदर, तो ये फ़ौरन से दोनों ना खड़े हो जाते हैं और आवाज़ें देने लग जाते हैं भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी ये लोग जो है ना पहचानने लगे। और इनको देखो कैसे बाहर आके ना इसको छेड़े जा रहे हैं, सिम्बा को ना बार बार उसके पीछे जाया जा रहा है, उसकी केज की तरफ उसका खाना खाने की कोशिश कर रही है, लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं इसका, पर वो जो है ना ये बड़ी सख्त है भाई, बहुत वो है तेज़ है, उनको खाना बिल्कुल भी नहीं खाने देती, पास भी आने नहीं देती है भाई इनको तो। और ये हमारे रैबिट्स वगैरह कैसे मज़े से आराम कर रहे हैं सारे, इनको तो हर वक्त कहते हैं खाने को दो हमें, खाने को देते रहो बस भाई। ये देखो अभी भी इनको ऐसे लग रहा है मैं खाना देने आया हूँ। हाँ ये देखो काट ही कर लेगा भाई, काट लेगा ये तो, देखो इनको अभी भी ऐसे लग रहा है मैं खाना वगैरह देने आया हूँ। इनका गेट खोलते हैं, इनको बाहर आने देते हैं, देखो इनको ऐसे अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे खाना आने वाला है भाई। हर वक्त इनको खाना चाहिए, खाना हर वक्त खाना मांगते रहते हो आप लोग, खाना 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 देता हूँ मैं आपको, खाना देता हूँ सब लोगों को। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।